हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो क्या हाल है बच्चों आपका? दिस इज हिमाल शर्मा, योर साइंस एंड इंग्लिश एजुकेटर। वेलकम टू द सेशन। सो बच्चे, मैंने इस एकेडमिक सेशन के लिए, दैट इज 2023-24, ये जो आपका न्यू एकेडमिक सेशन है, मैंने ग्रामर का सिलेबस इसी चैनल पे शुरू कर दिया है। तो टेंसेज में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस कवर कर लिए, 3 लेक्चर मैंने आपको टेंसेज के इस चैनल पे दिए, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको वन शॉट रिविजन करवाया, फिर सेकंड में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए, फिर मैंने आपको ट्रिकी और चैलेंजिंग क्वेश्चंस कराए। इसी तरीके से मॉडल्स के भी बच्चे 3 पार्ट में मैं लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, दैट इज वन शॉट रिविजन ऑन टेंसेज, जिसमें ऑन मॉडल सॉरी, जिसमें मैंने सारे मॉडल्स के रूल एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको मॉडल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा और अगली वीडियो में हम करेंगे ट्रिकी एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो चिंता मत करना बच्चे, आपको इसी चैनल पर रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, क्योंकि पूरा ग्रामर का सिलेबस इसी चैनल पे कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मॉडल्स आने वाले हैं, मॉडल्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या मुझसे डाउट्स पूछने हैं, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा himal_sharma है, उसके लिंक्स भी बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो को आपको क्विज की तरह करना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप बीच बीच में पॉज कर करके अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है? तो यू कैन डू दिस वीडियो लाइक अ क्विज, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ही डैश डू दिस इफ ही ट्राइड। पहले से बता दूं, दिस इज वेरी ट्रिकी, ठीक है? ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा। वीडियो को पॉज करिए जल्दी से और इसका आंसर मार्क। तो आई होप बच्चों आपने ये कर लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बच्चे माइट, है ना? काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या माइट कहाँ से आ गया? तो मैं अब आपको बताता हूँ कैसे आया माइट, क्योंकि यहाँ पे इफ लगा हुआ है। देखो, जब भी इफ लगा होता है ना, इफ का आपको पता है हिंदी में मतलब होता है अगर, अगर ऐसा हुआ, श्योरिटी नहीं है, है ना? वो ये काम कर सकता था अगर वो कोशिश करता। इसका हिंदी मतलब, हिंदी में इसका मतलब है वो ये काम कर सकता था अगर वो कोशिश करता। तो इफ जब अगर लगता है तो बच्चे पॉसिबिलिटी की बात होती है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी कि जब आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हो तो आप मे या माइट यूज करते हो, और यहाँ पे ट्राइड लिखा हुआ है, सो दिस इज पास्ट टेंस। तो देखो भाई, जैसे मैथ्स में रूल्स मतलब एक फॉर्मूला बना लेते हो, वैसे आप इंग्लिश में भी फॉर्मूला बना लो। इस बार पॉसिबिलिटी प्लस पास्ट टेंस, बेसिकली हम यहाँ पे माइट यूज करेंगे। समझ आया? देखो, ट्राइड से हमें पता चला है पास्ट टेंस, और इफ से पता चला पॉसिबिलिटी, ठीक है? चलो जी, अगर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। She dash run as fast as you, वो तुम्हारी तरह तेज दौड़ सकती है। वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए। चलिए बच्चे, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहां पर देखो, बात की गई है एबिलिटी की, कि भाई इसके अंदर ये एबिलिटी है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उसकी तरह तेज भाग सकती है। और रन, देखो वर्ब रन है, तो दिस इज प्रेजेंट टेंस वीवन फॉर्म। तो जब भी एबिलिटी और कैपेसिटी की बात प्रेजेंट टेंस में होती है तो कैन यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज होती है तो कुड यूज करते हैं। सो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा, शी कैन रन एज फास्ट एज यू। थर्ड क्वेश्चन, यू डैश वर्क हार्ड टू विन अ स्कॉलरशिप। देखो, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप जीतनी है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जल्दी से बच्चे वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर है बच्चे शुड। वाई शुड? बिकॉज यहाँ पर सजेशन दी जा रही है। शुड क्यों यूज किया गया है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे दी जा रही है सजेशन, सलाह। जब भी कोई सजेशन दी जाती है तो हम शुड यूज करते हैं। शी डैश कॉन्टैक्ट द डॉक्टर एट वंस। एक बार तो उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर को मार्क करिए। चलिए बच्चे, आपने आंसर मार्क कर लिया, अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो यहां पर आंसर आएगा मस्ट। याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि मस्ट यूज होता है जब नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं,
है ना, जब नेसेसिटी की बात होती है तो क्या यूज करते हैं, मस्ट। और अगर किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो क्या यूज करते हैं, मस्ट। कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो खुद से सोचो, अगर हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो सेहत और खराब हो सकती है, तो भाई डॉक्टर को दिखाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा, शी मस्ट कॉन्टैक्ट द डॉक्टर एट वंस। चलिए नेक्स्ट, आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम ही डैश रिफ्यूज। अब तो मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी अभी करवाया है, तो सही से आंसर करना, वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को मार्क करिए। चलिए बच्चे, आपने आंसर मार्क कर लिया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर वॉज लिखा है तो आपको सीधे से पता चल रहा है पास्ट टेंस, और इफ लगाया है और इफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी अगर पास्ट टेंस में होती है तो माइट यूज करते हैं। आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम ही माइट रिफ्यूज। चलिए जी, अगला क्वेश्चन का आंसर तो सब बच्चे सही देंगे। रोज स्कूल में आप ये सेंटेंस बोलते हो, डैश आई गो टू द बाथरूम प्लीज क्वेश्चन मार्क। वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर को मार्क करिए। ओके बच्चों, तो आपने आंसर मार्क कर लिया और मुझे पता है सबने सही किया होगा। तो देखो, जब आप प्लीज यूज कर रहे हो तो इट इज अ फॉर्मल परमिशन। जब आप प्लीज यूज कर रहे हो तो फॉर्मल परमिशन ले रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, मे आई गो टू द बाथरूम प्लीज। नेक्स्ट, यू लुक वेरी कंफ्यूज बाय द होमवर्क फ्रेंड डैश आई हेल्प यू। अरे तुम बड़े कंफ्यूज लग रहे हो अपने होमवर्क में, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो जल्दी से बच्चे वीडियो को पॉज करिए, आंसर को मार्क करिए। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप उससे पूछो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। सो यहाँ पे तो भाई सोचने की बात भी नहीं है, सीधे आंसर आएगा कैन आई हेल्प यू। व्हेन जुआन वाज टू ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। जब जुआन 2 साल का था वो बहुत अच्छे से बोल लेता था। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना, वीडियो को पॉज करिए, आंसर को मार्क करिए। ओके, तो आपने आंसर मार्क कर लिया, अब मैं डिस्कस करता हूं। तो इसका आंसर है बच्चे कुड। अब कुड क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन जुआन वाज टू, जब जुआन 2 साल का था, तो वाज इज पास्ट टेंस, वाज इज पास्ट टेंस, तो बहुत अच्छे से बोल लेता था। अच्छे से बोलना, वेरी वेल, अच्छे से बोलना, दिस इज एबिलिटी। इसकी एबिलिटी थी कि भाई 2 साल में बहुत अच्छे से बोल लेता था। तो जब एबिलिटी या कैपेसिटी प्रेजेंट की होती तो कैन लगाते, बट अगर यही एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट की होती तो कुड लगाते। शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। वो हो सकता है छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग इसका आंसर मार्क करेंगे। तो आपने आंसर मार्क कर लिया, अब जरा चेक करते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। देखो सबसे पहले लिखा है डेयर टू, डेयर टू हो गया भाई, धमकी नहीं दे रहे हम यहाँ पे। ऑट टू, कोई मॉरल वैल्यूज के बारे में बात नहीं हो रही है। कैन, ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना कोई उसकी क्षमता या एबिलिटी तो नहीं है। देखो यहाँ पे माइट आएगा, अभी श्योर नहीं है, हो सकता है जाए, है ना, अभी कुछ पता नहीं है, बट हाँ लग रहा है कि शायद जाएगी, तो पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज। दरवाजा बंद होने से पहले ऑडियंस को सेटल हो जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और आंसर मार्क करो। चलिए बच्चे, आई थिंक आपने आंसर मार्क कर लिया। तो देखो यहां पर दिस इज अ वेरी नेसेसरी सजेशन। ये तो भाई बहुत नेसेसरी सजेशन है कि देखो भाई ये काम करना ही करना है। अब देखो शो शुरू होने वाला है, दरवाजे बंद होने वाले हैं, अब ऑडियंस सेटल डाउन होना हो जानी चाहिए। तो मस्ट यहाँ पे शुड भी आ सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे शुड भी आ सकता है, पर शुड ऑप्शन में नहीं दिया तो था, मस्ट को टिक कर लो। नेक्स्ट, देयर डैश बी अ फेमस शॉप हियर। वीडियो को पॉज करिए, आंसर को मार्क करिए। चलिए बच्चे, आई नो आपने आंसर मार्क कर लिया, चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखे देयर डैश बी अ फेमस शॉप हियर, यहाँ पे एक फेमस शॉप हुआ करती थी, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे एक फेमस शॉप हुआ करती थी, कोई भी चीज हुआ करता या करती थी तो क्या आता है, यूज्ड टू। ये हमने मॉडल्स के लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज इट्स वेरी जनरल इंग्लिश मॉडल, है ना, ये जनरल सा सेंटेंस है, इसलिए मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आंसर आएगा देयर यूज्ड टू बी अ फेमस शॉप हियर, यहाँ पर एक फेमस शॉप हुआ करती थी।
चलिए जी, देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, यू डैश बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग देयर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आंसर को मार्क करें। तो चलिए बच्चे, आपने आंसर मार्क कर लिया, तो भाई यहां पर तो आपका मस्ट ही आएगा। इवन अगर शुड भी ऑप्शन में होता तो भी हम मस्ट लगाते, क्यों? मैंने आपको बताया था, देखो शुड और मस्ट दोनों स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, बट जहां पर आपको क्लियरली कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो, मस्ट लगा दो, कभी गलत नहीं होगा। मतलब भाई आगे लैंडस्लाइड है, तुम्हें ध्यान से ड्राइव करना, अगर ड्राइव नहीं किया भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो यहाँ पर सेफ्टी इज अ कॉन्सिक्वेंस है ना, डेंजर इज अ कॉन्सिक्वेंस, तो इसीलिए मस्ट यूज करेंगे। सो यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। चलो, वी डैश डेफिनेटली लुक इन टू द मैटर, द ऑफिसर अफर्म्ड। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करना है और आपको मुझे आंसर बताना। ओके, सो आई होप आपने कर लिया होगा बच्चे। तो देखो यहाँ पर ऑफिसर ने क्या अफर्म, मतलब ऑफिसर ने हाँ कहा, अफर्म्ड का होता है हाँ का, कि हाँ हम जरूर इस मैटर को देखेंगे, अभी नहीं बाद में, है ना, क्लियरली पता चल रहा है ऑफिसर ने बोला अभी नहीं बट फ्यूचर में जरूर हम इस मैटर को देखेंगे, अभी नहीं बाद में, डेफिनेटली बाद में हम इस मैटर को देखेंगे। तो फ्यूचर में आपको क्या यूज होगा विल, तो क्या आएगा, वी विल डेफिनेटली लुक इन टू द मैटर। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, ओ आई डैश हैव लव टू गो विद यू ऑल। ओ हो, मेरा तो कितना मन था कि मैं तुम सबके साथ जाता। तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, विश, है ना, यहाँ पे विश एक्सप्रेस हो रही है, डिजायर एक्सप्रेस हो रही है, अरे अरे काश मैं भी तुम्हारे साथ जा पाता, अरे अरे काश मैं भी तुम सबके साथ जा पाता, है ना। तो बताओ कौन सा मॉडल आएगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ। हिंट मैंने आपको दे दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज बताई थी कि जहां पर विश एक्सप्रेस होता है वहां पर हम वुड यूज करते हैं, है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज बताई थी, जहां पे भी विश एक्सप्रेस होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वुड। चलिए जी, 15th क्वेश्चन, डैश यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर क्वेश्चन मार्क। वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ, क्या तुम मुझे सॉल्ट और पेपर पास करोगे? चलिए, आई नो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, देखो ये तो सबका ही सही होगा डेफिनेटली, यहाँ पे तो सीधे पूछ रहे हैं कैन यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर। द रेस्टोरेंट सर्व्स द बेस्ट सुशी, यू डैश डेफिनेटली ट्राई। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ। ओके, सो आई नो आपने कर लिया और सही किया होगा। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो इस रेस्टोरेंट में बहुत बेस्ट सुशी मिलती है, तुम्हें जरूर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, तो दिस इज अ सजेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन, तो यहाँ पे शुड आएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मस्ट नहीं आ सकता, मस्ट लगा के ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, बट एग्जाम में शुड पे मार्क्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना। अब अगर आप उस रेस्टोरेंट में जाके सुशी नहीं खाओगे तो कुछ बिगड़ने नहीं वाला, है ना, कि खानी खानी है, कुछ बिगड़ने नहीं वाला, बस एक वो सजेशन दे रहा है अपनी तरफ से कि भाई जरूर खाना। चलिए जी, नेक्स्ट, यू डैश बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट सून। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर मार्क करो, सही मार्क करना है इस बार। ओके, आंसर आपने आई नो मार्क कर लिया है। अब लिखा है सून, बहुत ही जल्द तुम्हें रिजल्ट पता चल जाएगा, जैसे बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा आपके 20 में से कितने आए, कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो वीडियो देख रहा हो और मार्क्स ना बताए। सून मतलब फ्यूचर टेंस, सून मतलब फ्यूचर टेंस, तुम्हें जल्दी कभी ना कभी इसके रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, तो फ्यूचर टेंस है, तो विल, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट्स सून। क्वेश्चन 18, डोंट यू डैश लाई टू मी, खबरदार जो मुझसे झूठ बोला। बहुत इजी क्वेश्चन है, टीचर आपको बहुत बार ये क्लास में बोलती है, वीडियो को पॉज करके आंसर मार्क करो, अपने टीचर का डायलॉग मार्क करके दिखाओ मुझे। वेरी गुड, सबने सही किया है, नो डोंट यू डेयर लाई टू मी, खबरदार जब आप दे रहे हैं किसी को वार्निंग, जब आप दे रहे हैं किसी को ओपन धमकी, ठीक है, तो क्या होता है डेयर। तो रोड सीम्स अनइवन, यू डैश स्लो डाउन, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। ओके, आई होप आपने मार्क कर लिया। तो देखो क्या बोला है, आगे रोड अनइवन है, आगे रोड खराब है, तुम्हें स्लो डाउन हो जाना चाहिए, यहाँ पे तो भाई क्या आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए, बट मस्ट तो अब नहीं दिया है। अब और कौन सा मॉडल यूज करें, कौन सा मॉडल नेसेसिटी दिखाता है, नीड टू,
मस्ट भी लगा सकते हैं, बट मस्ट तो नहीं दिया है, बट नीड टू लगाएंगे, यू नीड टू स्लो डाउन. लास्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ लॉन्ग डे, यू डैश बी हंग्री. जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर बताएंगे. ओके, आपने मार्क कर लिया, तो इसका आंसर क्या है, माइट. देखो बहुत लंबा दिन था, तुम्हें भूख लग रही होगी. वॉज है ना पास्ट टेंस और पॉसिबिलिटी, श्योर नहीं है बट हो सकता है तुम्हें भूख लग रही हो यार, इतना लंबा दिन था तो पॉसिबिलिटी पास्ट टेंस की हुई, तो माइट. सो बच्चे, दैट वॉज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मॉडल्स. तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कितना स्कोर आया. और एक वीडियो अब मैं और मॉडल्स की बनाऊंगा जिसमें मैं इसके ट्रिकी और हाई लेवल क्वेश्चंस और करवा दूंगा, जैसे कि मॉडल्स भी आपका टेंसेस की तरह पूरा कंप्लीट हो जाए. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुंचे. और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और मुझसे डाउट पूछने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हिमाल_शर्मा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे.